7 silly monkeys all trying to mix. 1 choked on his drink and then there were 6. 6 silly monkeys taking a dive. 1 tangled with an eel and then there were 5. 5 silly monkeys going into court. 1 was convicted and then there were 4. 4 silly monkeys climbing up a tree. 1 lost his footing and then there were 3. 3 silly monkeys have lost most of their crew. 1 went into carpentry and then there were 2. 2 silly monkeys out in the sun. 1 lost his mind and then there was 1. 1 silly monkey left at dawn. He went and hanged himself and now they're all gone. I am writing this letter to show the world of my genius, of how I created the perfect crime, which no one could solve. Before beginning, a little bit about myself. I always had a very romantic imagination. From the time I was a child, I took sadistic pleasure in watching or causing death and had the urge to commit murder, while at the same time, I had a very strong sense of what is right. From my childhood, I had been fascinated by the nursery poem about the 7 silly little monkeys. Naturally, I built my grand scheme around this poem. I purchased an island, Herring Island, under the alias of Mr. Sanjeev Sinha. This was to be the location of my magnum opus. I invited 6 other people to this island for this masterpiece. And what followed, as I say, is history. आपसे मिलकर अच्छा लगा जस्टिस चौधरी। तो यहाँ कैसा आना हुआ आपका? मुझे तो मिस्टर सिन्हा ने यहाँ कुछ लीगल मैटर्स डिस्कस करने के लिए बुलाया था। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ डॉक्टर नेमू? उन्होंने तो मुझे उनके हार्ट सर्जरी के बारे में सेकंड ओपिनियन के लिए बुलाया था, पर यहाँ इतने सारे लोग देख के लग तो नहीं रहा कुछ फ़ायदा होगा। मिस्टर पटेल, आपके दर्जे के बिजनेसमैन से हम मिल पाएंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वो क्या है ना, हाल ही में मिस्टर सिन्हा मेरे एसोसिएट बने थे और इनसे मैं पहले कभी मिला भी नहीं था, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया था उनसे मिलने के लिए। लेकिन इतने सारे लोग देख के ऐसा लग रहा है वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि मिस्टर सिन्हा आजकल अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। अब यही देख लीजिए, हमें इस टापू पे बुलाया और अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। मैं तो यहाँ बस इसलिए आया क्योंकि मैं अपनी रोज़ की किचकिच से थक चुका हूँ। यहाँ इसलिए आने का, मैं काम भी कर सकूंगा और आराम भी कर सकूंगा, लेकिन अब वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। क्या बताएं जज साहब, इतने बिजनेस एक साथ संभालेंगे तो ऐसा ही होगा ना, किस किस को खुश रख पाएंगे। प्रोफेसर जी, आप क्या पढ़ाना छोड़ के इस रिसोर्ट में आए हैं? बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा? मैं तो यहाँ मिस्टर सिन्हा से अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च फंडिंग के बारे में कुछ बात करने आया हूँ, तो यूं ही समझ लीजिए कि अपने स्टूडेंट्स के काम के सिलसिले में ही आना हुआ है। खैर, आप बताइए मेजर साहब, आप क्या यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आए हैं? अरे कुछ जी, आप मुझे सुरेंद्र बुलाइए, मिस्टर सिन्हा ने मुझे अपने इस नए घर का सिक्योरिटी हेड बनाया है। अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी इस घर की वायरिंग चेक करने के लिए बुलाया था, कहा एक बार चेक कर लो फिर वर्कर्स बुला के सही करवा देना। अभी तो देखकर लग रहा काफी खराब हालत है यहाँ की। काफी अंधेरा है, पता नहीं रात में क्या होगा। गुड इवनिंग सर। कोई और नहीं, चलो ये बटलर पर। वैसे सिन्हा साहब कब तक आएंगे? सर आना तो उन्हें आज रात तक ही था, पर जैसा मैं मौसम देख रहा हूँ मुझे लग रहा है वो कल से कभी नहीं आएंगे। तो काम के साथ साथ छुट्टी मनाने का भी सोच गए थे, ये तो सच में छुट्टी हो गई। अच्छा है, अब जब मिस्टर सिन्हा आएंगे तभी कुछ बात हो पाएगी। सर काफ़ी रात हो गई है, आप लोग अपने अपने कमरे देख लीजिए और फ्रेश वगैरह हो लीजिए, मैं आपका आधे घंटे का खाना रखता हूँ। सामान मैं रखता हूँ। Silence please.
हेरिंग आइलैंड पर आप सभी का स्वागत है। आज की शाम आप सब मेरे मेहमान और मैं आपका मेजबान। मैं तुम्हारा सुनहरा आज और काला कल अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सबके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं। चौंक क्यों गए? शायद तुम्हारे ये कारनामे तुम लोग भूल गए होंगे, तो याद दिला देता हूँ। विपुल रावत, आज से 11 साल पहले तुमने पैसे बचाने के लिए एक गलत तरीके से वायरिंग की, जिसके वजह से 2 लोग मर गए। देव पटेल, 6 साल पहले तुमने शराब पीकर 2 मासूम लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था। आशीष नेमू, तुम 8 साल पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। तुमने 6 मरीजों को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचा। राहुल दत्त, 11 साल पहले जब तुम रायसीना विला में नौकर थे, तुमने मिसेस रायसीना को अकेला पाकर उसका कत्ल कर दिया और घर से पैसे लूटकर भाग गए। सुरेंद्र सिंह, 9 साल पहले तुमने गढ़वाल जंगल के आदिवासियों के गांव की इकलौती नहर पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसने विद्रोह किया उसको तुमने मरवा दिया। अरुण चौधरी, तुमने 3 साल पहले घूस खाकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गलत व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी। कुश सिंघल, 12 साल पहले कैथोलिक बीच पर तुमने अपनी प्रेमिका के बच्चे को डुबा दिया ताकि तुम उसके साथ ज्यादा समय बिता सको। जो हुआ वो तुम्हारे कर्म थे और जो होगा वो उन कर्मों का फल। तुम चीख सकते हो, भाग सकते हो, क्या बेवकूफ मजाक है, पर बच नहीं सकते। ये आवाज कहां से आ रही है? बंद करो इसको। ये कैसी बेवकूफ मजाक है? शुरू किया जाए। ये आवाज कहां से आ रही है? कौन इस समय नाम से ना बके जा रहा है? कौन है जो इतना खेल खेल रहा है? सामने आ, मुझे मैं बताता हूं। शांत, सब शांत हो जाओ। गाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें इस आवाज का सोर्स ढूंढना होगा। ढूंढो। सही बात है, सबसे पहले आवाज मिलनी चाहिए। सही है मिला सर। क्या है ये? ये तो टेप रिकॉर्डर है। पर ये रिकॉर्डर हाँ कैसे? रिकॉर्डर से फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये शुरू किसने किया? इसमें सोचना क्या है? यही लेके आया इसको, इसने ही शुरू किया ये। सर मैं तो आपके साथ ही था सर। सही कहा, जब हम आए तब ये यही था, ये सब इसी का रचा हुआ है। पहले हमें लाया और अब ये। आराम से, किसी पे ब्लेम डालने से कुछ नहीं होने वाला, हम सब एक ही नाम में। सुबह जब तक वोट नहीं आती तब तक हम यहाँ से जा भी नहीं सकते। मेरा मानना है कि हम खाना खाते हैं और सोने जाएंगे। जो आज हुआ है उसके बारे में हम कल विचार करेंगे। विचार क्या करना है, मौसम ठीक होते हैं यहाँ से निकलते हैं, यहाँ रहने लायक नहीं है। ये सब सुनकर पूरी रात हाथ पर हाथ रख के कैसे बैठ सकते हैं हम? और कोई रास्ता है हमारे पास? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब कोई भद्दा मजाक हो। मुझे नहीं लगता इस रिकॉर्डिंग में जरा सी भी सच्चाई है, इसीलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। पहले खाना खत्म करते हैं, उसके बाद जैसे ही मौसम सही होगा इस आइलैंड से निकलने के बारे में सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है। बट इसको लेके जाए यहाँ से? लेके जाए सर। बैठिए, सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। मूड खराब कर दिया। रिकॉर्डिंग ये कैसे हो रहा है? मुझे तो होटल लेना है।
खासकर ये पर्सनल और डॉक्टर दोनों ही तुमका बिल्कुल भरोसा नहीं है। हां सर, मैं लगाने से मारा तुझे पागल हो गया क्या? मैंने जैसे तुम सबको पहले भी कहा था, एग्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब इसकी इसकी बॉडी को बेसमेंट में रखाओ। मैं इसकी मदद कर देता हूँ। आइए मैं इसके हाथ को देता हूँ। आप पैसे बिजली की तार है तो कुछ ही बोलोगे क्या? तब तो देखो तुमने मारा होगा। तुम डॉक्टर हो तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। और हाँ, इस राउंड के पास सबसे पहले तुम ही थे आज। सही बात है। माना भी कोई इलेक्ट्रिशियन है पर दो तार तो कोई नहीं जोड़ सकता है। और सबसे पहली बॉडी तुमने देखी, ये सब एक ही जगह इशारा कर रहे हैं। तुम सब मेरे सर पर क्यों चढ़ रहे हो? मैंने इसको नहीं मारा। जब मैं बेडरूम की तरफ जा रहा था तो मुझे बदबू सी आई, तब मैं यहाँ पे मुड़ा, दरवाजा धक्के से खोला, देखा तुमने मुझे कॉटी मिली। तुम सबको बुला लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने नहीं मारा यहाँ पे, मैंने इसको नहीं मारा। बात समझो मेरी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारे सामने गिलास पड़ी है और तुम एग्जाम पे एग्जाम लगाए जा रहे हो। मुझे तो अभी भी लग रहा है ये सब इस डॉक्टर ने कराया। बस करो तुम सब, बस करो। अगर हम ऐसे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कोई तुम में से कोई एक है, और तुम्हें बता दूं मेरे पास बंदूक है, तो थोड़ा ध्यान से रहना। तुम्हारे पास बंदूक भी है? सबके सब पागल है यहाँ पे। इसी डॉक्टर ने ये सब किया होगा। ये पहले भी 6 लोगों को मार चुका है और उनके ऑर्गन्स भी निकाले हैं इसने। ये सब इसके लिए काफी आसान रहा होगा। आप अपनी बंदूक संभाल के रखिएगा, अगर कोई यहाँ पर लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं। ये क्या? की गोली से हत्या हो गई। किसने? एक मिनट, इस पूरे आइलैंड पे बंदूक सिर्फ एक ही बंदे के पास है और वो तुम हो। तुमने नहीं मारा होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें मारना होता तो पहले ही मार चुके होते ना। तड़पा तड़पा कर मारना इनकी खासियत है। गढ़वाल के जंगल में कैसे आदिवासियों को मारा था, याद है ना? वो सब झूठ था, मैंने किसी को नहीं मारा। ये डॉक्टर कुछ भी बके जा रहा है। ये क्यों फंसाना चाहता तू मुझे? एक मिनट, इन्हें तुमने ही मारा है ये पता है मुझे। मैंने इन्हें नहीं मारा। पूरे वाले में तुम्हारे अलावा किसी के पास घर नहीं है। मेरे घर चोरी हो गई। गोली के बाद सुनते ही मैंने अपनी बंदूक चेक किया, इसलिए मैं आते आते देर हो गई। घर चोरी हो गई? घर कैसे चोरी हो गई तुम्हारी? मैं पानी पीने के लिए किचन गया था, चल तब किसी ने चुरा ली हो। एक मिनट, आपके बगल वाला कमरा तो डॉक्टर नेमू का है ना? कहीं इन्होंने ही तो घर नहीं? नहीं, मैंने मारा इन्हें। ये क्या है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुमने पहले इन्हें शूट कर दिया, फिर गन छुपा दी और अब बहाने बनाए जा रहे हो? बहुत हुआ, कितनी बार बोलूं मैंने उन्हें नहीं मारा है, नहीं मारा है। तुम क्यों लेता तुम्हें? तुम मारा किसने? चुप करो तुम सब।
ये मैंने तुमने मरे का खेल बंद करो। मैं जा रहा हूँ कमरे में, यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। सही कहा इसने, बिल्कुल मैं भी जा रहा हूँ उसके साथ। ये किसकी बॉडी है? ये तो वो इलेक्ट्रिशियन विपुल, विपुल है नहीं? विपुल, इसे तो किसी ने हथौड़े से मार दिया। मुझे तो लग रहा था कल रात तक ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है, ये सब डॉक्टर की तरह है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा, हमें दिमाग से काम लेना होगा। इस जगह पर अब हम और नहीं रह सकते। ये देख रहे हो, छह लोगों को मारा उसने, अब वो नहीं बच पाएगा मुझसे। हमें जाना होगा यहाँ से। नहीं, हमें जाना होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। It is most likely that the case is almost impossible to solve for someone on the outside, and that was my intention, manufacturing the perfect crime. Well, it was quite easy to pull this off. Firstly, while everyone was distracted while the recording was playing, I quietly slipped the poison in the businessman's drink. Next, it was quite easy to tamper with the wiring in the bathroom. I knew the butler would take a bath after moving the body and was thus electrocuted in the process. Next, I hid in the dark and stole the gun from the veteran's room when he went out for a drink. And it was quite easy to shoot the old judge. After that, the doctor presented himself as an easy target by coming to the roof. He trusted me and didn't suspect me, and this made him vulnerable. It was quite easy to push him off the roof. The electrician possibly couldn't imagine that I was hiding out there waiting for him, as I was the last person he would have suspected to be the murderer. Then there were two left, and as I suspected, only one would survive. I decided to conduct a psychological experiment. Will the guilt of having just killed a man and the situation around him compel him to hang himself
So I set the scene, and I was proved correct as he hanged himself. I adjusted the chair after he was dead. But oh wait, but there were only 7 people on the island, and indeed there were. One of the above mentioned death was just a ploy to eliminate myself from the suspect list. Before telling you how I did it, you must understand that these people were as guilty as charged. They had no right to go unpunished for the crimes that they committed, and neither did I for the crimes I am committing. Well, here it goes. I knew that to fake my own death, I would need to get the doctor in confidence. The doctor was a gullible man, and we made a plan to fake my own death so that I can look for the actual killer hidden. Little did he know that it was me all along. I stole the gun from the veterans room and faked the gunshot. When everybody piled in the room, I had purposely cut the electricity to that room so that anyone wouldn't find anything amiss. I smeared some blood on myself from one of the other victims. As I lay there motionless, I saw them immediately remove me from the suspect list, and I knew that my plan had succeeded. Later that night, the doctor came to meet me without suspecting anything and was eliminated easily. Now that everyone is dead, I will go to my final resting place. I have tied a rubber band to the gun attached to a string that will pull, and I have used a handkerchief to prevent any fingerprints. As soon as I pull the string, the gun will go off, shooting me through the heart. The police would find the gun flung away, and a handkerchief lying on the floor wouldn't bother anyone. When the police come to the island a few days later, all they will find is 7 dead bodies and an unsolved mystery on Herring Island. This crime will cement my name in the books of history, and this letter will be the vessel. No.